नल जल योजना में जो परेशानी है, जो अभी पीएचडी काम करवाए हैं इससे पूर्व में, उसमें हर गांव में आधा अधूरा काम करवाया गया। जैसे हमारे यहाँ अभी लगभग 50 घर वैसे हैं जो नल जल के पानी से वंचित हैं। वार्ड नंबर 14 हमारे बगल के हैं गनौरा पंचायत में, जो अभी आधा से ज़्यादा आबादी गांव का नल जल पानी से वंचित हैं। वहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा है। हम लोग पटना कंप्लेन किए, कहाँ कहाँ ने कंप्लेन किए, लेकिन आज तक उन पर कोई तरह का सुनवाई नहीं किया गया। सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया, बताया सरकार के गया है द्वारा जो टोल फ्री सिर्फ नंबर जारी खाने और करवाया पीने के गया लिए। था, सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी करवाया गया था उसी टोल फ्री नंबर पर हम लोग बात किए। वो कंप्लेन नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे, अभी मोबाइल में है, वो कंप्लेन नंबर आपको दिखा देंगे। हम कंप्लेन किए लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। नंबर सिर्फ नंबर के लिए ही है, कभी नंबर फोन उठाया नहीं जाता है, उसके ऊपर कभी कोई किया नहीं जा रहा, किसी तरह का कोई काम किया नहीं। बिहार नाम के लिए सिर्फ नंबर बिहार सरकार नल जल योजना के लिए गया है। बिहार सरकार नल जल योजना के नाम पर एक टोल फ्री नंबर जारी जरूर किया, लेकिन वह तालिबानी टैक्स सुनने के लिए एक सुझाव रखा कि लोग मुझे कॉल करके यह पता करते रहे कि वहाँ नल जल योजना है या नहीं है, यही जानकारी प्राप्त करने के लिए वह टोल फ्री नंबर चल रहा है। बिहार सरकार ने पहली बार ऐसा किया है जो बिहार में 30 रुपया नल जल योजना के नाम पर आज तक बिहार में पानी का मूल्य तय नहीं किया गया था, जो बिहार सरकार ने तय कर दिया कि कचरा प्रबंधक हो या नल जल योजना हो, इसके नाम पर 30 रुपया का उगाही करें। जबकि इसके बारे में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पंचायती राज मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और उनके जो केंद्र के सरकार के जो भी व्यक्ति हैं उन तक भी ये बात गया था कि आप हस्तक्षेप करें, आपका बिहार में विपक्ष में व्यक्ति बैठा हुआ है, विधायक है, सांसद है, लेकिन यह बात हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से जो उनके मंत्रालय के व्यक्ति जो रिपोर्ट कर रहे हैं वह यह रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मनरेगा की अभी बात हो गया, 80% मनरेगा जो है वो सिर्फ मुखिया जी और पंचायत के जो समिति है, जिला परिषद है, उन्हीं के इर्द गिर्द मंडरा रहा है और वही लूट रहे हैं, और 1% ही कहीं ठेकेदार करता है तो कहीं कोई जनप्रतिनिधि कर लिया तो कहीं लेकिन वो भी जो करते हैं उनसे 40% 50% वर्तमान के जो अपने आप को सबका साथ सबका विकास कहने वाले मंत्री जी जो हैं उनसे पूछिए कि मनरेगा में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर उसकी सत्यापन हो, अगर आज पलायन रोकने की बात हो, अगर भारत सरकार चाहता है कि बिहार में पलायन रोके, मजदूरों को रोजगार मिले, गांव की सरकार चाहे कि रोजगार दे, तो अनेकों प्रकार से मनरेगा से वार्ड के जनता को, वार्ड सदस्य उनको रोजगार उपलब्ध करा सकता था, लेकिन इनके नियत में तो खोट है, चाहे वो केंद्र में रहे चाहे राज्य में रहे। भावत है कि तुम भी लूटो मैं भी लूटूं, और लूटते लूटते सन्यासी ग्राम पंचायत राज को बना दो। इसी प्रकार से बिहार सरकार और केंद्र सरकार का आंख बिचोली का खेल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप देश के उज्जवल भविष्य के रूप में इस बिहार को देखना चाहते हैं, उसमें एक गन्ना राज में इसको लाना चाहते हैं, तो तुरंत अपने कैबिनेट से एक अध्यादेश लाइए कि बिहार का जो मनरेगा है उसका 80% काम वार्ड सदस्य ही करेंगे, और यह ध्वनि मत से आप पारित करिए, हम वार्ड सदस्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।